राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए हमारी नागरिक सुविधाएं श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम पुलिस। नाना जी, नाना जी, वो देखिए वो। वो गुब्बारे सुंदर हैं, लोगी है? नहीं, झूला झूलूंगी। अच्छा अच्छा। पुलिस को मेले में एक बटुआ मिला है, जिसका है वो पुलिस चौकी आकर ले जा सकता है। पुलिस को मेले में एक बटुआ मिला है, जिसका हो वो पुलिस चौकी आकर ले जा सकता है। अरे मेरा बटुआ। क्या हुआ नाना जी? बटुआ गया। बटुआ पता नहीं कहाँ गिर गया बेटा। इसी जेब में तो रखा था, इधर भी नहीं है। अरे अरे भाई साहब, ये पुलिस चौकी किधर है? सर्कस के पीछे पुलिस का तंबू लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। चल सोनू, चल बेटी, चल चल जल्दी चल। लेकिन नाना जी, पुलिस वालों के पास आपका बटुआ कैसे पहुँचा? क्या पता बेटा, 250-250 रुपए है उसमें। फोटो भी है मेरा, पता भी है। लेकिन नाना जी, आप फोटो क्यों रखते हैं बटुए में? पहचान के लिए बेटा, कोई दुर्घटना हो सकती है। वो देखिए पुलिस। सुनिए, वो मेरा बटुआ खो गया है। क्या है बोलो। जी बटुआ खो गया है। अभी अभी आपने अनाउंसमेंट करवाई थी ना। किस रंग का? जी काले रंग का। उसमें पैसे कितने हैं? जी ठीक से तो याद नहीं है, मेरा ख्याल है 2 नोट 100-100 के और 1 50 का, शायद 1 10 और 5 का भी है। फोटो भी है उसमें मेरा। हाँ ठीक है, लो यहाँ दस्तखत कर दो। जी जी, ये लीजिए, गिन लो। ठीक है जी, पूरे हैं। धन्यवाद। नाना जी, पुलिस वाले तो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ बेटा, पुलिस तो हमारी मदद के लिए ही होती है। अच्छा नाना जी, अब झूला झूलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, अब तुम्हें झूला झूलाएंगे और क्या खाएंगे तू है। कोई मेला हो, जलसा हो, भाषण हो, जहां भी भीड़ भाड़ ज्यादा हो, वहां कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए पुलिस हमारी मदद करने के लिए वहां तैनात की जाती है। अरे इस मोहल्ले में ये पुलिस की गाड़ी क्यों आ रही है? पता नहीं कहां चला गया। आप ही हैं मिसेस भटनागर? जी हाँ जी, मैंने ही पुलिस स्टेशन फोन किया था। बच्चे का नाम? सुनील, सुनील है उसका नाम। उसकी उम्र? 6 साल का है। कोई फोटो है आपके पास? हाँ हाँ, फोटो भी है। अच्छा ये बताइए कि आखिरी बार आपने बच्चे को कब देखा था? दोपहर 3 बजे के आसपास देखा था, कोई 2 घंटे हो गए। सुनील मेरा भतीजा है, गांव से आया हुआ है। पर आपने उसे अकेले बाहर भेज दिया? मेरा बेटा बंटी और सुनील दोनों सामने झूला झूलने गए थे। बंटी बस 1 मिनट के लिए पानी पीने गया और मुड़कर देखा तो सुनील वहां नहीं था। आसपास सब जगह ढूंढ लिया हमने। अच्छा अच्छा, आप हौसला रखिए। और हाँ, कोई खास पहचान, कोई निशानी? निशानी? हाँ जी, वो उसके माथे पर एक चोट का निशान है। उसने लाल स्वेटर डाला हुआ है, सफेद पैंट पहनी है और हाँ काले जूते हैं उसके। अच्छा ये बताइए कि बच्चे का रंग क्या है? रंग गोरा है, गोरा रंग है उसका। सर, राजेंद्र नाम का एक आदमी एक बच्चे को लेकर आया है पुलिस स्टेशन। बच्चे का नाम है बॉबी। बिठाओ उसे, आ रहा हूँ मैं। मिला जी, मिल गया सुनील। नहीं नहीं नहीं, वो थाने से एक वायरलेस था, कोई और बच्चा मिला है और उस बच्चे का नाम है बॉबी। बॉबी? हाँ जी हाँ, वही सुनील है।
उसका घर का नाम बॉबी है जी। आप लोग भी कमाल करते हैं, पूरी जानकारी तो हमें देते नहीं। अरे आपको बताना चाहिए था कि उसके घर का नाम बॉबी है। जी जी गलती हो गई। अच्छा ठीक है, चलिए अब पुलिस स्टेशन मेरे साथ चलिए। अरे आपको उसके घर का नाम भी तो बताना चाहिए था ना। बच्चों, फोन की ये घंटी पुलिस स्टेशन पर ही बज रही है। नमस्कार, ड्यूटी ऑफिसर नीना शर्मा, थाना रामनगर। एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर हुआ है? आप कौन बोल रहे हैं? गांधी चौक पर स्टेट बैंक के सामने कार स्कूटर की टक्कर हो गई। जल्दी आइए। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। जरा जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, पुलिस अभी वहाँ पहुँच जाएगी। बच्चों, अभी आपने सुना कि पुलिस ने एक्सीडेंट की सूचना उस दूसरे पुलिस थाने को दी जहां से एक्सीडेंट का स्थान पास था, ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके। हेलो हेलो, चार्ली वन, ड्यूटी ऑफिसर नीना शर्मा ने 100 नंबर यानी पुलिस कंट्रोल रूम से इत्तला दी है कि गांधी चौक पर स्कूटर और कार में टक्कर हो गई है। स्थानीय पुलिस को फौरन भेजें। ओवर एंड आउट। अरे हटिए हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए। राम सिंह। यस सर। इधर से फोटो लिया। यस सर। अरे स्कूटर वाले को तो कोई होश ही नहीं है। ओ आप लोग जरा हवा तो आने दीजिए, पीछे हटिए, चलिए। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी होती है। राम सिंह। यस सर। वो इसकी जेब से जो डायरी मिली है ना, उस पर लिखे पते पर जाओ और इसके घर वालों को खबर कर दो। ओके सर। अरे उठाइए। आराम से रखिए। हाँ राम सिंह, पुलिस स्टेशन से क्रेन मंगवाकर जी कार और स्कूटर पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। ओके सर। मुझे अस्पताल में पता नहीं अभी कितना समय लगे। ड्राइवर चलो। यस सर। बच्चों, सड़क पर जब सायरन बजाती गाड़ी जा रही हो तो समझो वो जल्दी में है और उसे फौरन रास्ता दे देना चाहिए। बच्चों आपने देखा होगा, सड़कों पर चौराहों पर खड़ी पुलिस यातायात के नियमों के बारे में हमें बताती है। ये सामने जो रेड लाइन बस खड़ी है, बस के राइट में खड़ी हो गई है, रोड इनडिसिप्लिन है, इसको आगे करके लेफ्ट में करें ताकि और ट्रैफिक चलता रहे। ये स्कूटर DNA 5529 बड़ा रैशली, नेग्लिजेंटली और डेंजरसली ड्राइव कर रहा है। रोक के जरा भाई सर। इतनी स्पीड मर रहा है क्या? आपकी गाड़ी धुआं कितना छोड़ रही है, देखा आपने? अच्छा लाइट भी नहीं है। मैडम रास्ते में ही लाइट खराब हुई है। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस वो तो घर पर है गया। गाड़ी के पेपर्स? जी पेपर्स वो जल्दी दिखाइए। जी वो जल्दी में था ना, घर पर ही। गाड़ी चलाते हुए इतनी लापरवाही, आपको पता है आपने कितने नियमों को तोड़ा है? जी और आपका ये हेलमेट देखिए कैसे पहन रखा आपने, देखिए जरा, ठीक से क्यों नहीं पहन रखा आपने हेलमेट को? जी मैम अभी ठीक कर लेता हूँ। आपकी जल्दी आपकी जान भी ले सकती है। यदि हम यातायात के किसी नियम को तोड़ते हैं तो पुलिस हमें पकड़ सकती है। यातायात के नियम हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस तो हमारी मदद करती ही है, पर सड़क पर चलते समय हमें भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हम सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए ही तो हैं। सब लोगों से मिलकर बनता है समाज, और भाई समाज में रहने के कुछ नियम हैं। उन नियमों में एक है अनुशासन। इतनी रात गए, पुलिस यहाँ क्यों आई है? गार्ड है, पुलिस है।
बंद कीजिए ये सर। बंद कीजिए ये सर। इतनी रात गए आपने पूरे मोहल्ले को तंग कर रखा है। अजीब, अपने घर में हम कुछ भी करें पर आप वो सब नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो, समझे आप? मेरी बच्ची का इम्तिहान चल रहा है जी। हम तो अजी आप ही सोचिए, अगर आपके अपने बच्चे की परीक्षा हो तो क्या इतनी जोर से संगीत सुनेंगे? बताइए अगर आपके घर में कोई बीमार हो जैसे इनके घर में है तो क्या इतनी जोर से रेडियो चलाएंगे? जी वो तो ठीक है लेकिन आप सुनिए तो सही। आप वैसे भी रात को सब लोग आराम से सो रहे होते हैं, कम से कम दूसरों की परेशानी को समझिए आप। वो तो अच्छा अच्छा। देखिए अगर आपको संगीत सुनने का इतना ही शौक है तो उतनी आवाज में सुनिए जिससे कि आपके पड़ोसियों को परेशानी ना हो। वैसे मेरी शिकायत किसने की है जी? पूरे मोहल्ले ने की है और अच्छा काम किया है। देखिए आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? ठीक है जी, नहीं होगा। चलता हूँ। अनुशासन और कानून का पालन करने के लिए मदद करती है पुलिस। अब अगर आप में से कोई पुलिस में जाना चाहता है तो उसे अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। खेल कूद में खूब भाग लेना, दौड़ लगाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बनना निडर। पुलिस। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना मार्गदर्शन सुश्री जयचंदीराम, संयुक्त निदेशक, आलेख रमेश रानी शर्मा, भाषा मार्गदर्शन डॉक्टर मंजुला माथुर, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दलजीत गुप्ता, कलाकार सुरेंद्र सेठी, कीमती आनंद, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, राम मैनी, मंजू मैनी, सुचित्रा गुप्ता, वीना होरा, बाल कलाकार अंकिता, पल्लवी भारती, ध्वनियांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।